अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैर वाकफ़ियत से होंगे। आज हम बाब पंजम सबक अलामा इब्ने खुलदून रहमतुल्लाह अलैह का आगाज़ करेंगे। सबक का पहला सवाल है, इब्ने खुलदून रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ लिखिए। जवाब सफ़ा नंबर 98 पर शुरू में मौजूद है। अलामा इब्ने खुलदून रहमतुल्लाह अलैह यकम रमज़ान 732 हिजरी को त्यूनस में पैदा हुए। उनका पूरा नाम अबू ज़ैद वलीउद्दीन अब्दुर्रहमान इब्ने खुलदून रहमतुल्लाह अलैह था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद था। उन्होंने इब्तदाई तालीम त्यूनस में ही हासिल की। उन्होंने अपने ख़ानदान के हवाले से खसूसी तालीम हासिल की। सबसे पहले उन्होंने अपने वालिद से तालीम हासिल की, जो एक आलिम फाजिल शख्स थे, लेकिन अपने आबाओ अजदाद के बरक्स वो सियासत से कोसों दूर थे। इब्ने खुलदून ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। फिर उन्होंने ग्रामर, कुरान व हदीस, फ़िका, अदब, फ़लसफ़े और शेर व शायरी की तालीम हासिल की। दूसरा सवाल है, इब्ने खुलदून ने कहाँ कहाँ मुलाजमत की, तफसील से बयान करें। इसका जवाब भी बच्चे सफ़ा नंबर 98 पर मौजूद है। 752 हिजरी को उन्हें बादशाह के दरबार में ओहदा मिला और एक साल बाद बादशाह के कातिब मुकर्रर हुए। कुछ अरसे बाद वो हाकिम ज़ाब के पास चले गए और 755 हिजरी में वो अबू अन्नान करीनी के कातिब बन गए। तकरीबन 2 वर्ष बाद अबू अन्नान उनसे किसी बात पर खवा हो गया और उन्हें कैद करवा दिया। उसके बाद नए सुल्तान अबू सालिम ने उन्हें रिहाई दिलाई और ओहदा भी पेश किया। इब्ने खुलदून ने इसकी पेशकश को कबूल ना किया और गरनाता चले गए। गरनाता से वापस आकर उन्होंने अबू हमूसानी की मुलाजमत इख्तियार कर ली। फिर कुछ अरसा मरीन हुक्मरान अब्दुल अज़ीज़ की मुसाबहत इख्तियार की। जल्द ही वह इन सब से तंग आ गए और किला इब्ने सलामा में गोशा नशीन होकर तारीख़ आलम लिखना शुरू कर दी। 780 हिजरी में त्यूनिस गए तो काहिरा के सुल्तान ज़ाहिर बरकूक ने उन्हें काज़ीतुल क़ज़ात मुकर्रर कर दिया।